हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैनसेक ऑनलाइन लर्निंग। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन देने वाले हैं और आप रैनसेक पेड मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी ज़्यादा डिटेल के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पी अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई इज इक्वल टू एम एंड ए अपॉन एक्स प्लस पी अपॉन वाई इज इक्वल टू एन, तो हमें इसमें फाइंड करना है एक्स अपॉन वाई। तो सिंपली हम पहले क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं p अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई इज इक्वल टू एम और ए अपॉन एक्स एक्स प्लस पी अपॉन वाई इज इक्वल टू एन। और यहाँ से एलसीएम वगैरह लेके एक्स वाई को उधर भेज देते हैं, पी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई और इधर ए वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स वाई। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, वन और टू। तो अब इन अब हम क्या कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किया, पी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एन बचेगा। अब इसमें से हम वाई कॉमन ले लेते हैं, वाई कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा पी प्लस ए एक्स अपॉन वाई और यहाँ आ जाएगा ए प्लस पी एक्स अपॉन वाई। अब हम क्या करते हैं, इसे और इजी बनाने के लिए एक्स अपॉन वाई को टी मान लेते हैं और हमारे पास बना पी प्लस ए टी और बना ए प्लस पी टी इज इक्वल टू एम बाय एन और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी एन प्लस ए एन टी इज इक्वल टू पी ए प्लस एन एम, नहीं सॉरी ये बना हमारे पास ए एम am प्लस एम पी टी। अब यहाँ से हमने निकाल ली है t की वैल्यू, तो क्या करना है t कॉमन ले लेते हैं, an माइनस यहाँ से एम पी और बाकी इधर आ गया am माइनस पी एन और t इधर भेज देते हैं, am माइनस पी पी एन और डिवाइड में आ जाएगा an माइनस एम पी। बस यही है t की वैल्यू और t हमारे पास क्या है, x अपॉन वाई। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस द नंबर ऑफ लेग्स वाज 14 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ हेड्स। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि काउज कितनी है, हमने काउज को लेट कर लिया कि एक्स है काउज और उसके बाद हेंस कितने हैं वो हैं वाई ले लेते हैं, हेंस वाई ले लेते हैं। और सबसे पहले तो जो काउज होती हैं उनकी लेग्स कितनी होती हैं, वो होती हैं 4 और जो हेंस होती हैं उनकी लेग्स कितनी होती हैं 2 होती हैं। तो इन्होंने जो इक्वेशन दिया था नंबर ऑफ लेग्स वाज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो लेग्स हैं, मतलब अब हमें क्या लिखना है 4x प्लस 2y, इसका मतलब ये तो होगी उनकी लेग्स कितनी है और ये कह रहे हैं ये है 14 ज्यादा है, 14 ज्यादा है डबल ऑफ देयर हेड से। हेड कितने होंगे, x जितने भी टोटल हमने लिए हैं x और y उन वो होंगे। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14 प्लस 2x प्लस 2y, यहाँ से 2y 2y कट गया, 2x उधर गया, 2x इज इक्वल टू 14 और x आ गया हमारे पास 7, मतलब 7 काउज हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ए टेस्ट हैड 50 क्वेश्चंस, ए स्टूडेंट स्कोर्स 1 मार्क फॉर अ करेक्ट आंसर, माइनस 1 बाय फ्रॉम अ रॉन्ग आंसर एंड माइनस 1 बाय 6 फॉर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। इफ अ नेट स्कोर ऑफ स्टूडेंट इज 32 the number of questions answered wrongly by the student that cannot be less than। तो सिंपली हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास 50 questions हैं और इसमें से हम let कर लेते हैं कि हमारे पास जो x हैं वो हमारे पास wrong हुए और जो y हैं वो left है जो हमने किए नहीं और जो बाकी बचे wrong और left, अब बाकी जो बचे वो हमने attempt किए, मतलब कुछ उनका सही है, हम ऐसे कह सकते हैं right है वो, और वो कितने बचे 50 माइनस एक्स प्लस वाई, ऑब्वियसली वही बचे क्योंकि जो लेफ्ट और रॉन्ग में से बाकी बचे वो यही बचे हैं जो हमने अटेम्प्ट किए हुए हैं जहाँ हम कह सकते हैं वो करेक्ट है। तो हमारे पास टोटल स्कोर और करेक्ट का कितना है, करेक्ट का हमें मिलेगा प्लस 1 और रॉन्ग का मिलेगा माइनस 1 बाय 3 और लेफ्ट का होगा माइनस 1 बाय 6। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक इक्वेशन तो यही आ गई
कि जो हमने अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट कितने किए, 50 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू इसका कितना स्कोर मिलेगा हमें, इंटू 1 मिलेगा, क्योंकि ये करेक्ट का 1 मिलेगा। और उसके बाद हमें हमारे पास आ गया कि हमने कितने रॉन्ग किए, रॉन्ग हमारे पास कितने, रॉन्ग इंटू अब रॉन्ग का कितना कटेगा, माइनस 1/3। उसके बाद हमने लेफ्ट कितने किए, प्लस वाई और माइनस 1/6, और ये इसका टोटल कितना है हमें दिया हुआ है, 32 हमारे पास नेट स्कोर है। जब और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 108। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। अब x हमारे पास क्या है, x हमारे पास रॉन्ग आंसर्स हैं, रॉन्ग आंसर से 108 माइनस 7y अपॉन 8। अब x की हमने y की वो वैल्यू बतानी है कि जिस पे जो x है वो एक इंटीजर हो सके, क्योंकि अब हम ये तो कह नहीं सकते कि जो x है हमने 2.3, जैसे 2.3 आ गया आंसर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 2.3 रॉन्ग किए, हमें इंटीजर ही बताना है इंटीजर। तो ऐसे हम वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे y की पहले जीरो रखेंगे 108 अपॉन 8, इसकी फ्रैक्शन पॉइंट्स में आएगी, वैसे y को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हम एक नंबर देखेंगे कि जहां पे आ जाए, ऐसे सबको 1, 2, 3, 4, 5 रख के चेक करेंगे, तो हमारे पास एक y का नंबर आ जाएगा और वो क्या आएगा, 24/8। आप चेक कर सकते हैं y को 1, 2, 3, 4, 5 से रख के, आपके पास आंसर आते रहेंगे 24/8, 8 से 3 कट जाएगा तो 3 इसका आंसर होगा। मतलब 3 क्वेश्चंस थे जो रॉन्ग किए, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, मतलब रॉन्ग। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राम सॉल्व्स द इक्वेशन ax माइनस b इज इक्वल टू c एंड श्याम सॉल्व bx माइनस c इज इक्वल टू a। इफ दे गेट द सेम करेक्ट आंसर फॉर x द ट्रू स्टेटमेंट इज। तो सबसे पहले हमने, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस हमने x को इक्वेट करना है। तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, b अपॉन c प्लस a, ये पहली इक्वेशन से आ रहा है, ये वाली इक्वेशन से आ रहा है, और दूसरी बार में x इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन b, ये आ रहा है दूसरी इक्वेशन, बस इनको इक्वेट करना है। और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए सी। अब क्या करना है, इधर ले जाते हैं इसे ए स्क्वायर वाली टर्म को, और बी सी को भी इधर ले आते हैं, ए सी माइनस बी सी, यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, और यहाँ से हमने रख दिया सी कॉमा ले लिया, और ये आ गया ए माइनस बी। और अब इसको इससे काटेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, और ये माइनस साइन सी के साथ चलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा हमारे, और करेक्ट रिलेशन है बी, बी आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन ट्रायंगल एबीसी, एडी बीई एंड सीएफ आर द 3 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी, द एरिया ऑफ 4 आउट ऑफ 6 ट्रायंगल आर एज इंडिकेटेड, देन द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्रायंगल पीईसी एंड ट्रायंगल एपीई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी डी ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ए बी डी ट्रायंगल ले लिया जब हमने, तो इस पे सबसे पहले इनका एरिया लिखते हैं 1/2 इंटू, ये जो हाइट है ये वाली, इसको थोड़ी देर के लिए h मान लेते हैं, बड़ा वाला h मान लेते हैं, तो 1/2 इंटू h इंटू बी डी इज इक्वल टू, ये तो ये वो है हमारे पास एरिया है ए बी डी का, तो ये कितना आ रहा है 56 प्लस 84 प्लस 40, ये तो एरिया है उसका, और ये कितना है 180। और ये तो हमारे पास होगी पहली इक्वेशन 1.2 एच बी डी एच बी डी। अब हम लिखते हैं ए डी सी का, ए डी सी के लिए हाइट तो सेम ही रहेगी, तो 1.2 इंटू हाइट इंटू बेस, बेस क्या है डी सी, और डी सी हमारे पास कितना है फिर, और इन टोटल का एरिया कितना है, अगर इसे एक्स मान ले और इसे वाई मान ले तो एक्स प्लस वाई प्लस 30, तो ये है। अब हम क्या करते हैं, ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको डिवाइड कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तो जो एच एच 1/2 है ये तो कट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू 180 अपॉन 30 प्लस एक्स प्लस वाई। और फिर बी डी अपॉन डी सी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बी डी अपॉन डी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ये यहाँ अगर ये पी पॉइंट है तो हम क्या करते हैं बी बी डी पी वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, और इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए बी वन बी टू, अगर इसे बी वन बी टू माना और ये वाली एच ले, इसे स्मॉल एच ले लेते हैं, स्मॉल एच लिया, और तो अब इसका एरिया लिखते हैं बी डी पी का एरिया लिखते हैं, सबसे पहले 1/2 इंटू बी वन इंटू एच इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है हमें, तो हमारे पास एक तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब हम करते हैं ये जो पी पी ये पॉइंट है पी डी सी का निकालते हैं, 1/2 इंटू बी टू और इंटू हाइट तो सेम ही रहेगी, और इसका भी हमें दिया हुआ है, तब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू 4/3, और बी वन क्या है हमारे पास बी डी,
B1 हमारे पास क्या था, BD, और DC क्या है, DC क्या है हमारे पास, B2। तो यहाँ से BD अपॉन DC हमारे पास 4/3 आ गया, और वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं 4/3, और फिर यहाँ से हम इसे कटिंग कर लेंगे और हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 105, ये हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई की। तो बस, और अब हम क्या करते हैं, अब हम ये छोटे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं APE और PEC सब, और ये वाला ट्रायंगल लेके देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। हमारे पास एक रिलेशन तो आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 105। अब ये वाला लेके देखते हैं हम। तो सबसे पहले APE लेंगे, तो वही लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, और इसको कोई L मान लेते हैं, ये वाली चीज को, ये छोटी लेंथ को L मान लेते हैं। तो 1/2 इंटू C1 इंटू L इज इक्वल टू X है, और 1/2 इंटू C2 इंटू L जो इसकी हाइट है वो Y है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, C1/C2 इज इक्वल टू X/Y। एक तो हमारे पास ये आ गया रिलेशन। अब हमने क्या करना है, अब हम कोई बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ABE, ट्रायंगल ABE लिया, तो हमने इसका इसका लिखते हैं हम 1/2। इसको इसको भी वैसे मान लेते हैं, C1 तो इसका बेस है ही, और ये वाली है, ये जो चीज है पूरी, ये लेंथ, इसको हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे D ले लेते हैं इसको, लेंथ को 1/2 D इंटू C1, और इसका टोटल एरिया कितना है, 56 + 84, ये हमारे पास 140 प्लस एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लेते हैं अब BEC ट्रायंगल लेते हैं, तो ये आ गया 1/2 इंटू इसकी जो हाइट वो है, हाइट है वो तो सेम ही रहेगी, डी इंटू C2 वो आ जाएगा नीचे वाला, और ये कितना है 70 + y, 70 + y आ जाएगा। अब इन दोनों को फिर से डिवाइड कर देते हैं, फिर से डिवाइड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, हमारे पास क्या आ जाएगा, C1/C2 इज इक्वल टू 140 + x इज इक्वल टू 70 + y। तो हमारे पास अब ये जो C1 C2 की वैल्यू भी हमने X/Y भी निकाली है, तो एक इक्वेशन हमारे पास और बन गई, X/Y इज इक्वल टू 140 + x/70 + y। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ये रही पहली इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन इसे सॉल्व कर देते हैं। तो अब इस ये दूसरी वाली इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपली, जैसे X/Y था और ये है 70 + x/140 + y। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 140 + 140x + xy इज इक्वल टू 70y + xy, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, और हमारे पास 70 ये 2, मतलब y इज इक्वल टू 2x आ गया। ये एक हमारे पास इक्वेशन आई, और हमारे पास पहले एक इक्वेशन थी x इज प्लस वाई इज इक्वल टू 105। अब y को 2x लिख देते हैं, 3x इज इक्वल टू 105, और इसे इसे काट देते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 35। अब x तो 35 आ गया हमारे पास, और इसमें से अब माइनस कर देते हैं, तो y हमारे पास 70 आ जाएगा। और हमसे पूछा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, y - x, तो y - x हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 35। थैंक्स वॉच करने के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।